नमस्कार बोकारो। घर में घुस चोरी करते युवक को रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ा। सिटी थाना क्षेत्र के दुंदीबाग आरा मिल के समीप झूलन शर्मा के झोपड़ी नुमा मकान में चोरी करते हुए एक चोर को गृहस्वामी ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा चोर भागने में सफल हो गया। पुलिस ने चोरों के पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक झूलन शर्मा अपने पुत्र व दामाद के साथ घर में सोए हुए थे, तभी तकरीबन रात के 2 बजे दो चोर घर में घुस आए। जब गृहस्वामी को आहट सुनाई दी तो देखा कि 2 आदमी घर में हैं, जिससे में से एक व्यक्ति मोबाइल उठा रहा है तो दूसरा पैसा निकाल रहा है। पुलिस रंगे हाथ गिरफ्तार चोर रोहित कुमार से पूछताछ शुरू की तो दूसरे चोर को भी बताते हुए घटना में संलिप्तता स्वीकार किया, जिसके बाद भागे चोर को भी गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस दोनों चोर को जेल भेज दिया। ASI सिटी थाना कि दुंदीबाग बाजार का है, आरा मिल के पास वादी है झूलन शर्मा के द्वारा बताया गया था। इनके घर में रोहित शर्मा के द्वारा चोरी किया गया था मोबाइल, जो उनके द्वारा एक अभियुक्त को पकड़ा गया, जिनका नाम राहुल कुमार बताया गया, और एक अभियुक्त भागने में फरार रहा। उसके बाद राहुल कंचन कुमार को माध्यम पुलिस के द्वारा पकड़ कर थाना लाया गया। और क्या क्या बरामद हुआ उनके पास है? और दोनों के विरुद्ध अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या बरामद किए उनके पास? बरामद उनके पास से 3 मोबाइल बरामद हुआ है। पहले भी जेल जा चुके हैं क्या? ये रोहित पहले भी जेल जा चुका है, अब आज गिरफ्तार इनको जेल भेज आज गिरफ्तारी कर इनको जेल भेज देखे जाए।